हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोल एट प्रियांशु। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में चिल कर रहे होंगे। सो आज रात के बज रहे हैं 9। आज मैं निकल रहा हूँ अपनी फर्स्ट कॉलेज ट्रिप पे। बड़ी मुश्किल से एक ऑफिशियल ट्रिप प्लान हुई है, तो मैंने सोचा, मैं वैसे बता दूं, मैं थर्ड ईयर में हूँ। आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्रॉम BPIIT। सो आज स्टार्ट करते हैं, बड़ी मेरी ख्याल लास्ट ट्रिप होगी। अगले साल फोर्थ ईयर आ जाएगा, मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। आइए आपको लेके चलते हैं अपनी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप पे। जिम कॉर्बेट हमारी ट्रिप जा रही है, सारा कवर करते हैं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलो जी, माता रानी से वो करते हैं कि हमें माता रानी अच्छे से भेजे, सब ब्लेस करे। तो जयकारा मां शिरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, हरे के सारे की जय, लगदार की जय, तीन बंदारे की जय हो, जय श्री श्याम। कृष्णा जी ब्लेस करना, राधा कृष्णा ब्लेस करना। कॉलेज पहुंच गए हैं पापा, ठीक है? जय माता दी, जय माता दी, हमें जय माता दी। मैं ख्याल रखूंगा पूरा, ठीक है? फिर ध्यान रखियो अपना, पूरा ढंग फोन मैं कर दूंगा, सारे पहुंचा दूंगा। गाड़ी में बैठेगा ना, ठीक है? ठीक है, चलो। BPIIT पहुंच गए हैं अपने, ये सारे अपने लड़के खड़े हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भाइयों के? चलो फिर सर, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, बस आई नहीं अभी। बस वाला ठस्सा दे गए भाई, बस वाला संतरा पी गए, समझ गए ना? आ गई बस भाई, बस आ गई। कितने बजे आई है? बंदा लग रहा है कितने बजे आई है, तो टाइम दे। पौने ग्यारह। चलो कोई नहीं, ज्यादा लेट नहीं है, चलते हैं, पहले सीट ले लेते हैं। क्या हाल है सबके? सीट सेटल हो गई है, चलो सब बैठ गए, सब आ गए। नहीं थोड़ी लाइट आ रही है, अच्छे से मिलते हैं। की हाल चाल सर? सत श्री अकाल जी, पहले सत श्री अकाल कर दो सारे। सत श्री अकाल, काफी दिन बाद आपा ट्रिप हुई है, पहली ऑफिशियल चल रहे ने दे। जी बस चल चुकी है अपनी। सर ये टीम से नहीं हो रहा, पहली बार ट्रिप पे जा रहे हैं। यकीन हुआ कैसे? पहली बार जा रहे हैं भाई। जस्सी वीरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन जस्सी वीरे ने हमारी बात नहीं मानी बिल्कुल भी भाई, नाराज है उससे बहुत ज्यादा। कोई नहीं जस्सी वीरे, अगली बार हम अपनी चल रहे अपनी चल रहे अमृतसर चलेंगे, दरबार से भाई। अब पहुंच गए हैं, अपना पहला स्टॉप हो गया शिवा ढाबा, हो गया भाई। मामा यादव, अब यहाँ पे 25-30 मिनट का ब्रेक है अपना, जिसको फ्रेशन अप होना है, कुछ खाना पीना खा लो। हाँ भैया, ऐसे क्या चल रहा है? हाँ भाई नमन, क्या हाल है भाई के? क्या चल रहा है, क्या हो गया? अरे यार डाउन क्यों हो गया तू एकदम, ये तो बता। सर क्या चल रहा है, कुछ एक्सपीरियंस अभी तक? बढ़िया, अभी तक सब ठीक था। आगे देखते हैं। ये अपनी गढ़ मुक्तेश्वर वाली ब्रांच है, तो यहाँ पे रुके हैं, हमने चाय बनाने के लिए। 20-25 मिनट का ब्रेक है, फ्रेशन अप होना है, वो हो जाओ और फिर सीधा निकलेंगे अपना जिम कॉर्बेट के लिए। सर कैसी है हमारी स्टेज? मारना तू प्लीज। भाई कोल्ड ड्रिंक लोगे शंजी? ठीक है, बढ़िया। अरे बड़ा आधे घंटे ब्रेक के बाद चाय पीने के बाद अपनी बस है रेडी चलने के लिए। साहिल भाई फॉर सैंडविच, सब कुछ होता था इंक्लूडेड, ऊपर इंक्लूडेड लिखा है, लिखा होना चाहिए था ना, इंक्लूडेड भी नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। भाई बस 50 किलोमीटर रह गया, लेकिन ये जो लास्ट का रास्ता है ना, ये बहुत खराब है, पर नींद ही नहीं आ रही किसी को। बच चुके हैं साथ, हम पहुंच चुके हैं जिम कॉर्बेट का एरिया, पीछे देख रहे हो सारा जंगल।
पीछे हमारी बस खड़ी है क्योंकि जो जो क्या था यार वो मिल नहीं रहा रास्ता जाने का रिसोर्ट का, कंफ्यूज हो गया ड्राइवर, कंफ्यूज हो गए हैं, कंफर्म कर रहे हैं। इतने हम रोड पे आ गए, थोड़ा उतरे हैं सुबह से, 6-7 घंटे से बैठे हुए हैं यार। जो पीछे का जो लार्ज 60-70 किलोमीटर जो बसता है ना वो बहुत भारी है, ऐसे 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 मतलब सीधी बस चली नहीं रही, 20-30 से ऊपर नहीं चली उसमें। भाई रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने का क्या? फाइनली बस तो जानी भाई, ये पीछे गाड़ी है, यहाँ से सामान लेके अब जा रहे हैं हम ऑटो में। है साहिल भाई कैसा लग रहा है ऑटो में? आज तो ऐसी तैसी हो गए भाई, एक के बाद एक ट्रेजेडीज। क्या मतलब हम रात को 10 बजे निकले हैं, 8:50 हो गए हैं, सुबह 12 घंटे हो गए। इतनी देर में जम्मू होते हम, इतनी देर में माता वैष्णो के दर्शन करने पहुंच जाते कटरा। तो जी भाई निकल पड़े अपने ऑटो में, आगे बैठा आपका भाई। भाई जहाँ से बस अपनी खड़ी थी उसके अंदर भी 4-4.5 किलोमीटर अंदर है और रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, नहीं तो एक पॉइंट वाला लगा था पलट ही जाएंगे। तो भैया की स्किल्स काम आ गई यहाँ, ये देख रहे हैं नीचे जब बारिश वगैरह आती है सारी नदी भर जाती है, यहाँ पानी आ जाता है। भाई भैया ने पलटा ही दिया ये वाला, तो साहिल क्या कर दिया भाई। चलो ये चल मन से भर चढ़ सीधा करवा। भाई झूला नहीं झूलना, निकालना इसको। जी तो ये अपना रिजॉर्ट पहुंच गए हैं द क्लॉस्टर। तो अभी फोन बंद हो गया था मेरा, आपने देखा लास्ट क्लिप में रास्ता काफी खराब था, एक ऑटो तो थोड़ा स्लाइड ही हो गया। मैं मेरा बुला रहा हूँ, तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, आपको दिखाते हैं क्या सीन है। वैसे यार काफ़ी लेट हो गए, वो रास्ता ख़राब था ना तो बस बाहर वेट करना पड़ा, बाद में इसमें आना पड़ा उस चक्कर में। ये पूल दिख रहा है मुझे अभी और ये सारे मेडिकल कॉटेज बने हुए हैं, अब हमें देखते हैं कौन सा रूम मिलता है। अभी तो पहले ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। लो भाई ये अपना हो गया रूम 506। रूम में अब सामान वगैरह रख के अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, रूम टूर आपको आके देता हूँ मैं। सर प्रॉपर्टी कैसी है? प्रॉपर्टी यार भाई थोड़ी अंडरवेलमिंग सी हो गई, फोटो वोटो तो हमने देखी थी बढ़िया थी, काफी ऐसे आर्किटेक्चर से ही लग रहा था इसका। अभी भी आर्किटेक्चर ठीक ही है लेकिन पूल वगैरह ना मेंटेनेंस नहीं है। और अभी आपको पूल का दिखाते हैं मेन, तो पूल, हां पूल देखो ब्रेकफास्ट के बाद। ये सारा अपना ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट तो काफ़ी ठीक है। तो अभी मैंने अपनी आलू पूरी और केलॉग्स खा रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या लेना है। तो भाई ये अपना कुछ रूम टूर है, सर आराम कर रहे हैं, ये एक सर यहाँ आराम कर रहे हैं, तो सामने टीवी लगा हुआ है, सर कर देंगे भाई। ऐसा कुछ वॉशरूम है, नहीं धोए भाई, नहीं धोए ना, आ जा फिर।
तो हाँ जी आ गए हैं पूल में। हाँ जी सर, क्या हाल है, क्या चल रहा है? बढ़िया सर, बढ़िया। पूल में चल रहे हैं आप? चलो अब वीडियो भाई बंद करते हैं क्योंकि फोन थोड़ा है ना देख के रखना पड़ता है। हाँ जी, सो एक कम से कम हमने 2-2.5 घंटे पूल में बिताए, सब फिर रेडी शेडी हो गए हैं शावर वगैरह लेके, अब चलते हैं लंच करने अपना अंदर। पाजी होनी रेडी हो रहे हैं। हाँ जी सर, रेडी हो? हेलो जी, लंच करने पहुँच गए हैं, आपको बताते हैं क्या क्या मिलेगा। ऐसा कुछ है अपना लंच, राइस, बूंदी रायता, मटर पनीर और बटर नान, रोटी जो आप लेना चाहोगे, और ये सेवियाँ, खीर भी थी और दाल तड़का भी था वो मैंने लिया नहीं, और भिंडी भी थी, भिंडी भी थी ना, भिंडी मसाला, भिंडी मसाला थी वो मैंने ली, बटर मतलब फुल अच्छे से खा लिया। मटर पनीर बढ़िया था यार, मटर पनीर बढ़िया था, भिंडी भी ठीक थी, भिंडी ठीक थी, दाल ये सुबह वाली सांभर जो बनाया था ना इडली सांभर, उसी में तड़का मार के उसको दाल तड़का बना दिया, वो नहीं खाई मैंने। बाकी सेमिया थी एक, यस, और आपने उससे पहले हमारी देखी स्विमिंग, हमने बड़ी 2-2.5-3 घंटे करी होगी। दिखाओ ना, ये रहा पूल, अब अभी तो खाली पड़ा है, अब कल करते हैं, अब थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उन्हों खेलते हैं रूम में जाके, फिर मिलते हैं आपको शाम को, फिर कल अपना मेन चालू होगा। सर तीन जगह थी ना, कॉर्बेट फॉल्स और जो गिरजा टेम्पल, गिरजा टेम्पल और अपना कॉर्बेट म्यूजियम, कॉर्बेट म्यूजियम, कॉर्बेट म्यूजियम, तो कल आपको अच्छे से कवर करते हैं। भाई शाम के बज रहे हैं 6, हम दोपहर में सो गए थे, कच्ची पक्की नींद ही आई, थकावट है अभी भी, अब कल देखना है अपना, कल मेन दिन है, मतलब जो मेन अट्रैक्शन है कॉर्बेट में गिरजा टेम्पल, कॉर्बेट फॉल्स, वो कल आपको कवर करता हूँ। और अब चलते हैं अपना जो चाय पानी के लिए। सर क्या क्या है, चाय और कॉफ़ी है? चाय कॉफ़ी बिस्किट, चलो आओ। चलो भाई चलो, केले। हाँ जी, तो आप जैसे देख सकते हो रात हो गई है, अपने डिनर के लिए चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है, और कल मेन चालू होगा, आज तो सारा यहीं था तो इतना कुछ हो नहीं पाया, अब कल देखते हैं क्या होता है और डिनर देखते हैं अब क्या है। लो जी अपना शुद्ध शाकाहारी खाना, एज ऑलवेज बटर नान, कढ़ाई पनीर, दाल और मिर्ची राइस। अभी मैं डिनर कर रहा था, अपना भैया मिले मुझे, हेलो भैया। हेलो भैया, से मैंने बहुत कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन ली अपनी कि कैसे मतलब कहाँ कहाँ पे घूमना चाहिए कॉर्बेट में, जैसे मैं पहली बार आया हूँ, तो भैया आपको यहीं मिलेंगे जब भी आप क्लॉयस्टर स्पा एंड रिजॉर्ट आओ, मतलब विद बेस्ट सर्विस, काफ़ी वेलकम होगा, काफ़ी अच्छी सर्विस लगी मुझे और काफ़ी अच्छा खाना भी। थैंक यू सर।